हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा। इसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, न्यू चैप्टर रहेगा, कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। तो कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत में हम बताएं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। इसमें हम आपको बताते हैं कि कार्यक्रम नियोजन प्रसार शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रसार कार्य सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सापेक्ष भूमिका निभाता है। लोगों के जीवन को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। ऐसा तभी संभव है जब लोगों के जीवन में व्याप्त समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि ये समस्याएं ही उनकी प्रगति में बाधक होती हैं। इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम नियोजित करते समय कुछ नीतियाँ तय भी की जाती हैं। ये नीतियाँ उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करती हैं। इनके माध्यम से लोग दिशा विशेष में ही सोचते हैं और उनकी सोच और कार्य निष्पादन को बिखरने का मौका नहीं मिलता। सुनियोजित कार्यक्रम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं को पर केंद्रित रहते हैं। इनके हल स्पष्ट एवं निर्धारित रहते हैं। ये वांछित लक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, लोगों की कार्य निष्पादन शैली, या यूं कहें कि उनकी जीवन शैली को सही दिशा में ले जाया जाए, जिससे वे अपनी मूलभूत समस्याओं के दायरे से निकल सकें जो उनकी प्रगति में बाधक हैं। यथार्थ उनकी प्रमुख समस्याओं की पहचान स्थापित कर उनके हल ढूंढे जाते हैं। समस्या निवारण में लोगों की संलग्नता एवं सक्रियता सुनिश्चित की जाती है और वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को निर्धारित कर संपूर्ण कार्यक्रम को नियोजित भी किया जाता है। कार्यक्रम नियोजित करते समय कुछ सिद्धांत भी बनाए जाते हैं जो कार्यक्रम की नीतियों को स्पष्ट करते हैं और कार्य निष्पादन को परिनियोजित करते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम इन्हीं पर आधारित होता है और ये सिद्धांत मार्गदर्शन का काम करते हैं। डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार आ प्रिंसिपल इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू गाइड एक्शन। कार्यकलापों को निर्देशित करने, उन्हें सही ढंग से चलाने और उन्हें नियंत्रित करने में सैद्धांतिक
रूप से तय की गई नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पूरा कार्यक्रम इन्हीं के आधार पर चलता है। अतः कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों को समझना और उनका निर्वाह करना प्रसार कार्य के अंतर्गत आवश्यक है। अब इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी अनुभूत आवश्यकताओं वातावरण एवं रुचियों का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फेल्ट नीड्स एनवायरनमेंट एंड इंटरेस्ट। तो कार्यक्रम नियोजन का 100% लाभ लोगों को तभी प्राप्त होता है जब वह उनकी अनुभूत आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक कृषक का ध्यान उसके कार्य क्षेत्र से जुड़े कारकों जैसे भूमि जल फसल बैल ट्रैक्टर में उलझा रहता है। इनसे संबंधित समस्याएं या आवश्यकताएं उसके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने और लोगों की दैनंदिन उठने वाली समस्याओं को भी दूर करने की बात जब होती है तभी लोग उसमें अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। इसी तरह समाज समुदाय अर्थव्यवस्था आदतें परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति भी लोगों को प्रभावित करती है। इनमें जुड़ी हुई आवश्यकताएं और समस्याएं इनसे जुड़ी हुई आवश्यकताएं और समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करने से नहीं चूकती। कार्यक्रम नियोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि लोग उन्हीं कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेते हैं जो उनकी आवश्यकताओं वातावरण और रुचियों से जुड़ी हो। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि किस कार्य से संबंधित कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए। लोगों की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है उसे प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाता है। लोगों की परिस्थिति उनकी अभिरुचि और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना कार्यक्रम नियोजन का पहला सिद्धांत है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई। सेकंड हेडिंग रहेगी जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट बिगिनिंग। इसमें रहेगा ग्रामीणों की समस्याएं उनकी आर्थिक विपन्नता उनकी निरक्षरता उनमें तकनीकी ज्ञान का अभाव उनके पास आधुनिकतम संसाधनों की कमी जैसे कारकों से जुड़ी रहती है। लोगों की वर्तमान परिस्थिति एवं उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को उनके आर्थिक बौद्धिक शैक्षिक आवासीय संसाधन संपन्नता जैसे तत्वों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना चाहिए। इन समस्याओं को ध्यान में रखने के सिद्धांत का अनुपालन आवश्यक है तभी वांछित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग रहेगी वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ रीचिंग डिजायर्ड गोल्स। तो प्रसार कार्यक्रम उद्देश्य बनाए जाते हैं अनुभूत आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कार्यक्रम को इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके। उदाहरण स्वरूप, यदि साक्षरता अभियान का कार्यक्रम नियोजित किया जाता है तो लोगों में साक्षर बनाना वांछित लक्ष्य होता है। साक्षरता का प्रसार लक्ष्य प्राप्ति है और कार्यक्रम नियोजन का यही सिद्धांत होना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सही दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग हमारी रहेगी समावेशता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसेंसिबिलिटी। इसमें रहेगा नियोजित कार्यक्रम सर्व साधारण के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उनमें उसमें सभी वर्गों, जाति और उम्र के लोगों का समावेश होना चाहिए। इसे समावेश्यता का सिद्धांत कहते हैं। समावेश्यता केवल लोगों को ही नहीं विविध कार्य क्षेत्रों और प्रसंगों की भी होनी चाहिए। सभी कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के हित का ध्यान रखकर कार्यक्रमों का नियोजन करना चाहिए, जिससे सभी की जिज्ञासा और रुचि उसकी इसके प्रति हो और लोग इसे अपना कार्यक्रम समझकर इसमें भाग लें।